हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो 11 मार्च और 12 मार्च दोनों की आप डिस्कस करेंगे। तो संडे की भी जो कुछ एक दो न्यूज है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे बिल्कुल। अब देखते हैं सबसे पहले न्यूज। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक नया बिल पास किया गया उसको लेके। तो कौन सा बिल है उसमें देखते हैं। इस बिल में ये प्रावधान किया गया और बिल का नाम हुआ है डेथ पेनल्टी बिल को लेके। डेथ पेनल्टी बिल है वो चाइल्ड रेप के जो आरोपी होते हैं उनको मृत्युदंड देने के लिए, डेथ पेनल्टी देने के लिए बनाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी ये प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। अगर प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाती है तो ये एक्ट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान ऐसा पहला स्टेट नहीं है जिसने डेथ पेनल्टी बिल है वो बनाया, क्योंकि इससे पहले एमपी प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भी इसके बारे में ऐसा एक्ट है वो बना रखा है और वहाँ पे प्रेसिडेंट की अनुमति वो मिल चुकी थी। तो अभी उम्मीद है कि राजस्थान को भी अनुमति मिल जाएगी तो राजस्थान सेकंड स्टेट है वो हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है एक कि जो 12 साल से कम ईयर की जो बच्ची होती है, एज होती है फीमेल, अगर उनका रेप होता है तो उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया। और एक इसमें ये प्रावधान रखा गया कि मिनिमम एट एनी कॉस्ट है वो 20 साल की सजा होगी, चाहे रेप आरोपी ने कुछ भी हो, मतलब रेप आरोपी है उसको 20 साल की मिनिमम सजा है, इसके साथ उसको मृत्युदंड भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो क्रिमिनल लॉ बिल 2018 है उसमें चेंजेस ये किए जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो ये कर्नाटका के स्टेक फ्लेक को लेके। तो इसके बारे में जो आर्टिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंटेक्स्ट जैसा काफी बार पहले भी सुर्खियों में आया कि कर्नाटका जो असेंबली है, गवर्नमेंट है, वो अपना नया स्टेट फ्लैग वो बनाना चाहती है उसको लेके। तो काफी बार क्वेश्चन आता है सामने, आपके दिमाग में आता होगा कि क्या कोई स्टेट अपना फ्लैग बना सकता है, नहीं बना सकता। तो इस चीज के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली इसका साथ अभी एक ही है लेटेस्ट में कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव है वो पास करके अभी होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया है। अगर होम मिनिस्ट्री अप्रूवल दे देगी तो इसके बाद कर्नाटका वो सेकंड स्टेट हो जाएगा इंडिया में जिसके पास फ्लैग होगा। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है इंडिया का एक पार्ट, अहम हिस्सा है, और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से फ्लैग है। तो इसलिए चीज हमें ध्यान रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑलरेडी फ्लैग है, इसके बाद अगर अनुमति दे दी जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा तो यह कर्नाटका गवर्नमेंट है वो सेकंड स्टेट बन जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टेट के पास फ्लैग बनाने की कोई पावर नहीं होती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति वो लेनी होती है तभी वो फ्लैग वगैरह वो बना सकती है। अब देखो एक चीज यहाँ पे सामने और वो आ रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के बारे में उल्लेख है नहीं है। देखो हमारे संविधान में इस चीज के बारे में कोई नहीं लिखा हुआ है कि कोई स्टेट ऑफ फ्लैग बना सकता है नहीं बना सकता, इसके बारे में कोई भी प्रावधान वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो उस चीज को देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे केस आता है वो यूपीएससी पूछ सकती है कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, वो है एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर प्रावधान ये किया था कि भाई देखो हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, मतलब डेमोक्रेसी है, हम इस चीज को मानते हैं कि स्टेट है वो सुप्रीम है, क्योंकि संघ के अंदर आपको पता है कि स्टेट काफी अहम रोल निभाते हैं। तो सेंट्रल जो एसआर बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई स्टेट है वो सुप्रीम होते हैं, बट स्टेट सुप्रीम होने के नाते ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। तो मतलब मनमर्जी पे लगाम वो लगेगी। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग कोड है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है कि स्टेट के पास नया फ्लैग हो, मतलब डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है कि भाई फ्लैग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये चीज आपको बेसिक थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राइट टू लाइफ, राइट टू राइट डाई के बारे में। देखो अभी हमने जैसे सैटरडे को डिस्कस भी किया था कि पैसिव यूथनेसिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति है वो दे दी गई है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि राइट टू लाइफ तो देखो फंडामेंटल राइट है, कौन सा है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई व्यक्ति है वो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार अपने जीवन या व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से वंचित है वो नहीं कह जा सकता। तो ये आर्टिकल 21 आपको ध्यान रखना है, सुर्खियों में यूपीएससी पूछ सकती है इसके बारे में इस बार। और राइट टू डाई भी अभी फंडामेंटल राइट है वो घोषित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि राइट टू लाइफ ही डिग्निटी की बात आती है तो राइट टू डाई भी अलाउ कर दिया गया। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहले राइट टू डाई था वो फंडामेंटल राइट नहीं था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार यह भी फंडामेंटल राइट है वो हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है दीव के बारे में। जैसे दमन एंड दीव आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी है, तो दीव की अकेले बात यहाँ पे आती है दीव की, कि दीव है वो इंडिया के पहले यूनियन टेरिटरी या पहला ऐसा स्टेट बन, पहले यूनियन टेरिटरी है सॉरी, ऐसी जो 100% सोलर एनर्जी को ही यूज है वो करेगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कदम है वो बढ़ाया गया है कि वहाँ पे जो एनर्जी यूज की जाएगी दीव में पूरी वो की जाएगी 100% सोलर एनर्जी, इसके अलावा वहाँ पे दूसरी तरीके की एनर्जी है उनका यूज वो नहीं किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दीव की लोकेशन, क्योंकि दमन एंड दीव की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ भी सकती है। तो एक बार लोकेशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है मैली दीव की लोकेशन, ये मैली जो गुजरात स्टेट है उसके इस वाले एरिया में आता, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक बार थोड़ा जूम आउट करके आपको कहता हूँ, ये यहाँ पे है दीव की लोकेशन और ये यहाँ पे है दमन है वो सूरत के पास इस वाले एरिया में यहाँ पे
दमन है, तो ये चीज आपको थोड़ा लोकेशन वगैरह का थोड़ा पता होना चाहिए। यूपीएससी की बार पूछ लेगी कि भाई ये अरब सागर वाले एरिया में है, बे ऑफ बंगाल में, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। छोटी सी आइलैंड के टाइप में है, वैसे लैंड से कनेक्ट है, तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज आई है वो आई है आई मेट्रोज के बारे में। तो आई मेट्रोज क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई मेट्रोज है, जैसे देखो हमारे देश में दिल्ली के एग्जाम्पल लो कि दिल्ली में जैसे मेट्रो के लिए रेगुलेशन के लिए क्या है, डीएमआरसी है, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मतलब दिल्ली मेट्रो को रेगुलेट करती है। इसके बारे में रेगुलेशन के सारे काम है वो किए जाते हैं। उसी प्रकार हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे लखनऊ में भी मेट्रो है, जयपुर में भी मेट्रो है, मुंबई में भी मेट्रो है, कोलकाता में भी है, चेन्नई, जगह जगह पे मेट्रो के जो है, जेएमआरसी, डीएमआरसी, लखनऊ के एमआरसी, इस तरीके की, उन सब ने क्या क्या आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है। एसोसिएशन बनाया मतलब मेट्रो जो है कंपनीज है इनका एक एसोसिएशन है। अब होगा क्या इस एसोसिएशन में, इस एसोसिएशन को सबसे पहली बात तो यह है कि देखो अभी से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर करने की बात की जा रही है। अभी रजिस्टर हुआ नहीं है, रजिस्टर करने की बात की गई है। इसका फायदा ये होगा कि देखो सभी जो डीएमआर जैसे जो मेट्रो की कंपनीज है ना, इनकी क्या करती है अपने अपने एरिया में काम करती है, तो यहाँ पे इनके पास काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, काफी सारी नॉलेज भी होता है इनके पास, और काफी सारी प्रैक्टिस भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, तो इन सबको आपस में शेयर कर सकेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ऐसे तो दिल्ली मेट्रो है, जैसे दिल्ली मेट्रो ने सपोज एयरपोर्ट लाइन बनाई तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इतना सारा ट्रैफिक होता है उसको भी मैनेज करना है, किस तरीके से अंदर टनल वगैरह बनाई, तो काफी सारा मतलब हर ज्योग्राफिकल एरिया की प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अगर ये आपस में सारी मेट्रोज ने एक एसोसिएशन बना लिया तो इसका फायदा होगा कि अब डीएमआरसी अपना दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे के साथ शेयर करेगी कि भाई देखो दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन थी और इस तरीके से अगर हम काम कर रहे थे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, अगर हमें अंदर टनल बनानी पड़ी थी उस टाइम पर इतना ट्रैफिक था तो उसको ऐसे रेगुलेट किया जाना था, इस प्रोजेक्ट को अगर आप ऐसे करोगे तो फायदा होगा। मतलब अपने जो बेस्ट एक्सपीरियंस और अपना जो नॉलेज है वो आपस में शेयर कर सकेंगे, जिससे क्या होगा डेवलपमेंट में काफी गति है, तेजी है वो आएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी कि आई मेट्रोज है क्या, ये एक जो मेट्रोज हैं इनका एक एसोसिएशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है क्राइम फ्री जोन के बारे में। तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं कि क्राइम फ्री जोन के बारे में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे 8 किलोमीटर का एक ट्रेस हिस्सा है उसको क्राइम फ्री जोन बनाने की बात की जा रही है अभी। तो ये अभी प्रोजेक्ट को लेकर न्यूज है वो आया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, अब कैसे इसको जो क्राइम फ्री जोन है वो बनाया जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 8 किलोमीटर का थोड़ा हिस्सा है, इस एरिया में क्या कि जो मेनली स्मगलिंग वगैरह होती है कैटल की, इसके अलावा जो बाकी इलीगल एक्टिविटीज होती है उन सबके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, मतलब वहां पे क्राइम है उनको खत्म किया जाएगा, जीरो क्राइम की सिचुएशन है वो लाई जाएगी। इसके लिए स्टेप भी उठाए जाएंगे कि जैसे वहां पे आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है वो वहां पे तैनात रहते हैं इंडिया की तरफ से, अब बीएसएफ है वो वहां के जो लोकल सिविलियंस है उनके साथ काम करेगी, और जिसके जो एनजीओज है वहां के विभिन्न उनके साथ मिलकर काम करेगी ताकि वहां पे जो कोई भी अपराध है वो ना हो सके। तो उन सबको काउंटर करने के लिए जो एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम है ये जो जोन है वो बनाया गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें ये देख लेते हैं कि जैसे इंडिया है वो अपना मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। इंडिया बांग्लादेश के साथ अप्रोक्सीमेट 4156 किलोमीटर का बॉर्डर है वो शेयर करता है। इस 4156 किलोमीटर में से अकेले वेस्ट बंगाल के साथ शेयर किया जाता है वो है 2217 किलोमीटर। तो आप इसको एक बार मैप से देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो कि ये मेनली बांग्लादेश है और यहाँ पे जो ये वेस्ट बंगाल का एरिया, तो वेस्ट बंगाल देखो मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो यहाँ पे टच कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ और कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा यहाँ पे टच कर रहा है, आसाम का थोड़ा हिस्सा टच कर रहा है, मेघालय यहाँ पे टच कर रहा है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना कि भाई वेस्ट बंगाल है वो टच कर रहा है, तो जो जो स्टेट टच कर रहे हैं वो भी आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तो ये था जो पॉइंट आर्टिकल था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे। आगे एक छोटा सा आर्टिकल और है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नजर से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये है कि अभी साइंटिस्ट ने एक नई जो मेटल की नई स्टेट है वो खोजी है। मतलब जैसे कि देखो पानी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और जो पानी सॉलिड सॉरी जैसे कि सॉलिड एक मेटर की अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है, और गैस एक अवस्था होती है, मतलब तीन अवस्था होती है अभी नॉर्मली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके अलावा साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी की है, एक नई अवस्था बनाई है, उसका नाम है रिडबर्ग पोलेंस। तो ये आपको ध्यान रखना कि रिडबर्ग पोलेंस है वो एक मैटर की नई अवस्था है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा भी खोजी की गई है। इसमें देखो होता ही है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, थोड़ा एक्साइट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो क्या थोड़ी दूर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से दूर चले जाएंगे तब इस वाले एरिया में नए जो मेटल्स वगैरह उनका निर्माण किया जाता है। तो देखो पूरी प्रोसीजर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें ये बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल की नई स्टेट है वो बनेगी, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, उसके अलावा चौथी गैस जो व्यवस्था बनाई गई है उसका नाम है रिडबर्ग पोलेंस। तो ये आपको बस इतना ही इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब चलते हैं, हमारी एक बार डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, इसका एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेथ पेनल्टी बिल और चाइल्ड रेप के बारे में, कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी बिल है वो बनाया है ताकि जो भी चाइल्ड का रेप होता है उसके जो आरोपी है उनको मृत्युदंड दिया जा सके। इसके साथ ही MP वो पहला स्टेट बन चुका है और सेकंड स्टेट है वो राजस्थान बनने जा रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो प्रेसिडेंट है वो अनुमति दे देंगे इसके बाद। इसके बाद में कर्नाटका की स्टेट फ्लैग की बात थी तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने देखा कि राइट टू लाइफ और राइट टू डाई है वो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है। इसके में देखा कि आर्टिकल 21 में क्या प्रावधान किए गए। इसके साथ ही हमने देखा कि दमन और दीव में अकेला दीव है वो यहाँ पे देखा कि हमने 100% सोलर एनर्जी पे डिपेंड है होता गया है। इसके साथ ही हमने देखा कि आई मेट्रोज है वो जो मेट्रोज है इनका एक एसोसिएशन है जो अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा ताकि जो भी प्रॉब्लम्स के सामना करने में काफी आसानी मिल सके। और सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे रजिस्टर किया जाएगा। इसके साथ हमने क्राइम फ्री जोन किया तो यूपीएससी से पूछ सकते भाई क्राइम फ्री जोन क्या है, तो ये ध्यान रखना कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कैटल स्मगलिंग होती है ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए NGO BSF और जो सिविलियंस है उनकी हेल्प से काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही हमने रीडबैक पोलेंस के बारे में डिस्कस किया, तो रीडबैक जो पोलेंस है वो मेनली मैटर की नई अवस्था है जो हमने देखा कि तीन अवस्था तो ऑलरेडी होती है सॉलिड लिक्विड गैस, चौथी का नाम है रीडबैक पोलेंस। तो अब देखते हैं हम आज के थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है आज का वो आपको बताना है वो है आर्टिकल 35(1) के बारे में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने पहले काफी बार डिस्कस भी किया है। क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 35(1) के जो प्रावधान है वो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह संविधान के संसदीय संशोधन के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा इसको संशोधन है वो किया गया था। मतलब इसमें आपको ये बताया गया कि यह संविधान के संसदीय संशोधन के बिना राष्ट्रपति द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है आर्टिकल 35(1) के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह जम्मू एंड कश्मीर का स्थायी निवासी निर्धारित करने हेतु भारत सरकार को अधिकार है वो देता है। तो आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है कौन सा गलत है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे स्थायी निवासियों की वहाँ पे बात की जाती है कि भाई कौन जम्मू एंड कश्मीर का निवासी होगा, बट यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि देखो ये इट इम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्पावर नहीं करता है, यह जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को बोलता है कि भाई आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का स्थायी नागरिक होगा। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है एक्चुअली वो आपको बताना है एस विजय कुमार कमेटी के बारे में, कि एस विजय कुमार कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है या फिर रेगुलेशन ऑफ जो NGOs हैं उनसे रिलेटेड है या फिर जो ई लिटरेसी है उसकी गाइडलाइन से संबंधित है या फिर चाइल्ड लेबर की गाइडलाइन से रिलेटेड है। तो ये आपको बताना कि कौन सा इसमें सही है। देखो यह न्यूज में काफी आया था, यू नवंबर में भी मामला न्यूज में था और अक्टूबर में भी था। तो यह मैली जो NGO नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पे लगाम लगाने के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है FCRA उसके तहत इसका निर्माण है, इस कमेटी का निर्माण किया गया था ताकि जो NGO है उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज है उन पे लगाम लगाया जा सके। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।